बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत पांचा डिज़ाइन बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। इस तरह से ट्राउज़र के साथ का कपड़ा हमने लिया है, तकरीबन चौड़ाई इसकी 1.5 इंच और लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। और एक साइड पर हमने इस बार पेपर पेस्टिंग किया है और दोनों किनारों को दरमियान तक इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस ऐसे ही पकड़ कर दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और किनारे पर सेम कलर धागे से सिलाई लगाएंगे। ये पूरी पट्टियाँ हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। पूरी पट्टियाँ सिलाई करने के बाद इसको 3 इंच तक कटिंग करेंगे इस तरह से। 3 इंच की ये पट्टियाँ कटिंग करेंगे। पूरी पट्टियाँ कटिंग करने के बाद अब हम इसको लगाने के लिए एक पेपर लेंगे और पेपर के दोनों साइडों पर इस तरह से लाइनें लगाएंगे और दरमियान में 2 इंच डिज़ाइन के लिए पट्टी छोड़ेंगे, और साइडों पर सिलाई के लिए थोड़ी सी पट्टी ज़्यादा रखेंगे। ऐसे ही दोनों लाइनों के दरमियान पट्टी रखते हुए सिलाई करते जाएंगे। हर पट्टी के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे इस तरह से सिलाई करते जाएंगे, और पट्टी के दरमियान वक्फा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये पूरी लाइन पर पट्टियाँ ऐसे ही सिलाई करेंगे। इस तरह से एक साइड से सिलाई करने के बाद ऐसे ही दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइडों पर पट्टियाँ जोड़ने के बाद अब हम इसको ट्राउज़र पर लगाएंगे। ऐसे ही ट्राउज़र की सीधी साइड और ये पैटर्न की उल्टी साइड इस तरह से रखेंगे और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमने पट्टियों की सिलाई लगाई है, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे इस तरह से पकड़कर, और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। और नीचे वाली साइड पर डिज़ाइनिंग करने के लिए हम ये कट वर्क बनाएंगे। तकरीबन 2 इंच चौड़ाई में पट्टी हमने ली है और दरमियान में इसके एक लाइन लगाई है। अब हम कट बनाने के लिए ये चूड़ी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कोई भी राउंड में, किसी चीज़ से भी राउंड में इस तरह से ये लाइन लगा सकते हैं। ये छोटे बड़े कट बनाने के लिए जिस हिसाब से बनाने हैं उसी हिसाब से हम चूड़ी लेंगे। मैंने छोटे साइज़ में चूड़ी ली है और इस पर ये इस तरह से लाइन लगाएंगे अंदर वाली साइड पर। ऐसे ही पूरी पट्टी पर ये कट बना लेंगे। इस तरह से ड्रा करने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से लाइन के साथ साथ कटिंग करते जाएंगे। लाइन को कटिंग नहीं करना, बिल्कुल लाइन के साथ साथ कटिंग करेंगे। ऐसे ही पूरी पट्टी कटिंग करेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो स्लीव डिज़ाइन, पांचा डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन के बारे में अपलोड की है। इस तरह पूरी कटिंग करने के बाद अब हम इसको कपड़े पर लगाएंगे। कपड़े पर रखकर इस तरह से आयरन करेंगे और एक साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे और ऐसे ही इसको कपड़े के ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। इस कपड़े के ऊपर रखकर ऐसे ही सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये साइडों पर फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे और इस तरह से कट के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही पूरे कट पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग काट देंगे। एक पाँव का मार्जिन छोड़कर इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। कटिंग करने के बाद हर कट के अंदर एक एक कट लगाएंगे।
इस तरह से कपड़े पर काट लगाएंगे। काट हमने इस हिसाब से लगाना है कि सिलाई ना कटे। पूरी डिजाइनिंग पर ऐसे ही काट लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे, इस तरह से पकड़ कर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और नीचे वाला जो कपड़ा हमने सिलाई के लिए छोड़ा था इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से पकड़ कर इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम जो पट्टी हमने तैयार की है इस ट्राउज़र पर लगाएंगे। इस तरह से इसको बनी हुई ये डिज़ाइनिंग को अंदर रखते हुए इस तरह से किनारे पास सिलाई लगाते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बता दो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। इससे हमारी हौसला सही होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स के लिए और भी न्यू न्यू डिज़ाइन के वीडियो अपलोड करते रहें। इस तरह से नीचे जो पेपर लगाए वो हम इसको उतार देंगे और हर कट के दरमियान में एक पर लगाएंगे। पर लगाने के लिए हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। इससे अगर मोती लगाएंगे तो ये मोती धोने से भी नहीं उतरेंगे। इस तरह देखें ये बहुत ही खूबसूरत पांचा डिज़ाइन तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।